हेलो स्टूडेंट्स, आरसे एजुकेशन हब पानसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज के क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें अपन पढ़ रहे थे एल्केन श्रेणी का नामकरण। कोई भी यौगिक जो दिया हुआ है, उस जो एल्केन श्रेणी का है उसका नामकरण यानी आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ करके उसका नाम लिखा जाता है। इसके अलावा कोई यौगिक जो साकिन है उसका नाम कैसे लिखा जाता है, उसके लिए अपन ने सामान्य नियम पढ़े थे। जैसे पहला नियम था मुख्य श्रृंखला का अंकन करेंगे। मुख्य श्रृंखला का अंकन करते समय हमें दो बातें ध्यान में रखनी थी। पहली शर्त क्या थी कि मुख्य श्रृंखला उसे मानेंगे, मुख्य श्रृंखला के रूप में उसे चयनित करेंगे जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सर्वाधिक होगी, अर्थात वो सबसे लंबी होगी। दूसरी शर्त थी कि उसमें प्रतिस्थापी जो हैं उनकी संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा नियम था कि मुख्य श्रृंखला का अंकन, मुख्य श्रृंखला का अंकन हम उस दिशा से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले। यदि प्रतिस्थापी यौगिक में एक से अधिक हैं, समान हैं, तो उनमें संख्या के आधार पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। इस प्रकार से यदि समान प्रतिस्थापी आते हैं तो उसमें उसके लिए प्रयुक्त शब्द जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक हैं और असमान हैं तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए और नाम लिखते समय पहले आने वाला जो प्रतिस्थापी है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे एथिल, मैथिल, प्रोपिल, इसमें जो पहले आएगा एथिल उसको पहले अंक मिलना चाहिए और लिखते समय नाम भी पहले एथिल लिखा जाएगा। इसके बाद यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं तो अंक लिखते हैं उनके बीच कोमा, अंक और शब्द के बीच हाइफन लगा करके प्रयुक्त शब्द जो है उसको जोड़ करके और पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न को जोड़ करके उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे अपने इसमें कुछ यौगिक दिए हुए हैं बुक में उदाहरण के तौर पर, तो अपन वो पढ़ते हैं। पहला है कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या, एक सारणी बनेगी जिसमें फिर आएगा अणु सूत्र, फिर आएगा अगला कॉलम संरचना सूत्र, फिर आएगा अगला कॉलम उसका आईयूपीएसी नाम, और ये हो गया सीरियल नंबर, क्रम संख्या। इस प्रकार से अपन एक सारणी बना लेंगे। जैसे कोई यौगिक है नंबर एक पर जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या एक है, तो अणुसूत्र इसका लिखेंगे। इस श्रेणी का अणुसूत्र लिखने का सामान्य सूत्र था CnH2n+2। यहाँ देखो n जो है वो क्या है, ये जो यौगिक दिया हुआ है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या n को प्रदर्शित करती है। यहाँ n के स्थान पर रख देंगे एक, तो C1H2+1+2, तो यह हो जाएगा C1H2+2, ये हो जाएगा C1H4, यानी कि जिसको लिख देते हैं CH4। तो यहाँ जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक हो उसका अणुसूत्र हो जाएगा CH4। इसका संरचना सूत्र यानी जो कार्बन परमाणु हैं उनको लिखेंगे, जिसमें कार्बन परमाणु केवल एक है, एक लिख लिया। इसके बाद में इसकी संरचना जो है वो हाइड्रोजन से संतुष्ट कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एकल संयोजी तत्व है, भाई हाइड्रोजन जो है एकल संयोजी तत्व होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा और कार्बन की संयोजकता 4 जो है
वो संतुष्ट कर लेगा और चारों हाइड्रोजन जो है इससे एकल बंध द्वारा जुड़े हुए होंगे। इस प्रकार से ये इसका संरचना सूत्र बनेगा, इसका जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक है। अब इसका आईपीएसी नाम जो है वो क्या होगा, पूर्वलग प्लस अनुलग। भाई अनुलग्न तो अपन पढ़ रहे हैं श्रेणी एल के, तो इस श्रेणी में अनुलग्न एन होगा। पूर्वलग्न कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है, तो यहाँ एक है तो पूर्वलग्न हो जाएगा मेथ, अनुलग्न है एन, नाम हो जाएगा मेथेन, मेथ प्लस एन मेथेन। इसी प्रकार से नंबर दो है, इसमें कार्बन परमाणु संख्या दो, यहाँ अणुसूत्र लिखेंगे, इस सूत्र में रखो एन के स्थान पर क्या रख देंगे दो, तो ये हो जाएगा C2H6। देखो कैसे होगा, यहाँ रख दो इसमें C2H2+2 ये हो जाएगा C2H4+2 ये हो जाएगा C2H6 ये हो गया एथेन, ये अणुसूत्र हो गया। अब अपने को संरचना सूत्र बनाना है, तो यहाँ कार्बन कितने हैं दो, एकल बंध से जुड़े हुए हैं, अब इनकी संयोजकता संतुष्ट कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी से हाइड्रोजन जोड़ दो और जुड़ गया। उसके बाद देखेंगे कि जो संरचना सूत्र बना है वो ठीक है या नहीं है। इसका पता लगाने के लिए अपन इधर जाएंगे, अणु सूत्र में कार्बन कितने हैं 1 2 यहाँ भी दो हैं, इसका मतलब कार्बन परमाणु की संख्या ठीक है। यहाँ एच कितने हैं 6, यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 यदि 6 आते हैं तो ये संरचना सूत्र अणु सूत्र के ठीक समान है, इसलिए ये क्या होगा ठीक होगा। अगर ज़्यादा आते हैं कम आते हैं तो इसका संरचना सूत्र है वो गलत होगा। इसी प्रकार से एक इसका पूर्व लग्न होगा, एन इसका अनुलग्न होगा, नाम हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार से नंबर तीन आता है जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 3 हो, तो यहाँ आ जाएगा C3H8 जिसका नाम क्या होगा, संरचना सूत्र क्या होगा, नाम इसका पूर्वलग्न, पूर्वलग्न क्या है प्रोप, अनुलग्न क्या है एन, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। संरचना सूत्र में 3 कार्बन परमाणु हैं, एकल बंध से जुड़े हुए हैं, जोड़ दो संरचना संतुष्ट कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, एच एच जोड़ करके इनकी संख्या जो है वो अणु सूत्र के समान आती है, तो संरचना सूत्र अपना ठीक है। इसी प्रकार यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो तो उसका अणु सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र क्या होगा, नाम क्या होगा। यहाँ देखो नंबर 4 आता है जिसकी कार्बन परमाणु संख्या मान लेते हैं 5 है, तो यहाँ अणु सूत्र हो जाएगा C5H12। कैसे आया देखो, इसमें रख दो एन के स्थान पर, एन का मान यहाँ 5 है, तो यह आ जाएगा सूत्र अपना CnH2n+2, तो यहाँ सी एन के स्थान पर 5H2+2 कितना हो गया C5H10+2 C5H12 ये इसका अनुसूत्र हो गया, यहाँ लिख दिया C5H12। अब इसका संरचना सूत्र, चूँकि एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं,
कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, लगा दो पांच कार्बन जो है उनके बीच एकल बंध। अब इसकी संरचना संतुष्ट कर दो और सभी संरचना जो संतुष्ट हो रही है वहाँ हाइड्रोजन परमाणु जो है उसको जोड़ दो। इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ने के बाद में इनकी संख्या गिन करके अणु सूत्र जो लिखा है उसके समान आती है तो संरचना सूत्र जो लिखा है वो ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे वो लगना रहता है पेंट क्लास अनुलग्न एन, नाम हो जाएगा पेंटेन, नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से आगे और देखें कि जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सात हो, सात है तो यहाँ इनका मान सात आया तो यहाँ दो सी सात एच दो गुना सात प्लस दो, ये हो जाएगा सी सात एच चौदह प्लस दो, ये हो जाएगा सी सात एच सोलह। इसका अणु सूत्र हो जाएगा सी सात एच सोलह। अब इसका संरचना सूत्र बना दो, कार्बन परमाणु सात हैं तो सात कार्बन एकल बंध से जोड़ दो, एक दो तीन चार पाँच छः हो ये सात। अब इनको एकल बंध से जोड़ दो, सभी से हाइड्रोजन जो है उसको जोड़ दो, संयोजकता जो है वो चार पूरी कर दो। ये हो गई, सभी से हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ने के बाद चेक करो इसमें हाइड्रोजन परमाणु ठीक उतने ही आते हैं जितने अणुसूत्र में, एक अणुसूत्र में सोलह हैं तो यहाँ से गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सात कार्बन है। इसका मतलब इसका जो संरचना सूत्र अपने लिखा है वो ठीक है, नाम हो जाएगा इसका हेप्ट प्लस एन, क्या हो जाएगा हेप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से ये तो थे नॉर्मल जो सामान्य थे। इसके बाद में यदि अपने को साखित श्रृंखला का नामकरण करना है तो अपने जो अभी नियम पढ़े थे उसके आधार पर हम लिख देंगे, पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे उसके बाद उसका अंकन करेंगे उसके बाद अंकों के मध्य कोमा और अंतिम शब्द जो है उसके मध्य हाइफन लगा करके शब्द जो लिखा है उसको लिख दिया जाएगा, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न जोड़ करके नाम लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ एक यौगिक है CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल है तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, चार कार्बन है ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। अब यदि इससे शाखा निकले, ये शाखे यानी कि CH3 CH3 CH CH3 ये कोई यौगिक है, इससे ये समूह जो है ये कैसा है आइसो, और कितने कार्बन है इसमें चार, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। अब अपने को इसका आईपीएच नामकरण करना है तो मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, ये मुख्य श्रृंखला चयनित हो गई। अब ये हो गई मुख्य श्रृंखला, जैसे ही मुख्य श्रृंखला का चयन हो जाता है उसके बाद उसका अंकन करेंगे, अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। यदि हम इस दिशा से करते हैं एक दो तीन तो प्रतिस्थापी दो नंबर पर आता है, यदि इधर से करते हैं एक दो तीन तो प्रतिस्थापी वो ही दो नंबर पर आता है, केवल प्रतिस्थापी एक है तो इस कंडीशन में हम इधर से या इधर से किसी भी दिशा से नंबरिंग कर लेंगे। इधर से कर लेते हैं एक दो तीन, देखो यहाँ दो पे जुड़ा हुआ है तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम दो पे जुड़ा हुआ है, दो हाइफन लगा दो मेथिल, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं तीन, तो तीन का पूर्ण लग्न है प्रो
आंगुला ग्रीस में क्या होगा, एन, तो नाम हो जाएगा टू मेथिल प्रोपेन। इसी प्रकार से जैसे ये कोई यौगिक है CH3, 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 यहाँ इसका नाम नियो पेंटेन है, ये नियो पेंटेन है। यदि हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, ये मुख्य श्रृंखला चयनित होगी। इसमें मुख्य श्रृंखला दो ही चयनित हो रही है, एक तो ये एक ये, दोनों में कार्बन परमाणु जो है वो ही तीन तीन आते हैं, दो प्रतिस्था भी बसते हैं, चाहे इसको मुख्य श्रृंखला के रूप में मान लो चाहे इसको मुख्य श्रृंखला के रूप में मान लो, बात वही है। हम इसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चयनित कर लेते हैं, नंबरिंग करेंगे, अंकन करेंगे मुख्य श्रृंखला का, अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, तो चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, प्रतिस्थापी का अंकन करेंगे तो 1, 2, 3 इधर से करते हैं 1, 2, 3 दो नंबर पे प्रतिस्थापी होता है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, वो ही दो नंबर के ऊपर प्रतिस्थापी आता है। यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3 दो पे इधर ये मैथिल है ये भी मैथिल है, तो यहाँ 2, 2 दो मैथिल जुड़े हुए हैं, दो के लिए प्रयुक्त शब्द जो है यानी एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ मैथिल जो है वो एक और ये दो है, दो है तो क्या प्रयुक्त करेंगे डाई शब्द, यहाँ हो जाएगा डाई मैथिल, कितने कार्बन है तीन, तीन है तो पूर्णलग्न क्या होगा प्रोप, अनुलग्न क्या है एन, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये हो गया 2, 2 डाई मैथिल प्रोपेन। इसी प्रकार से यदि कोई यौगिक है जैसे CH3, CH, 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 CH3 ये हो गया प्रतिस्थापी ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ ये मुख्य श्रृंखला होगी, केवल एक श्रृंखला चयनित हो रही है, मुख्य श्रृंखला ये प्रतिस्थापी तीन बचे। अब इसका अंकन करेंगे, अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, इधर से करते हैं 1, 2 पे मैथिल आता है, 1, 2 पर ब्रोमो आता है, एल्फाबेट के आधार पर ये बी से ये एम से ये एन से, तो यहाँ अंकन एल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर देखें तो ब्रोमो जो है यानी ब्रोमीन जो है उसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ इसका नाम लिखेंगे 2-bromo-methyl-4-phen और मैथिल 3-nitro-5 है पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी यौगिक जो दिया हुआ है उसका IUPAC नामकरण लिखा जाता है, जैसे कोई यौगिक है आइसोप्टेन, जैसे ये यौगिक है आइसोप्टेन यौगिक है, इसका अपने को नामकरण करना है IUPAC नामकरण। तो इसमें देखो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, मुख्य श्रृंखला एक ये चयनित होती है जिसमें कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं, प्रतिस्थापी तीन बसते हैं, एक ये होती है जिसमें प्रतिस्थापी
वही तीन बचते हैं, कार्बन वही पांच आते हैं, एक ये आती है जिसमें वही पांच आते हैं, इसलिए अपन इसको मुख्य श्रृंखला के रूप में चिन्हित कर लेंगे। ये हो गई मुख्य श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला चिन्हित होगी। अब इसका अंकन करेंगे, अंकन हम उस दिशा से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले, चाहे इधर से चाहे इधर से, वही दो नंबर के प्रतिस्थापी को अंक मिलता है, इसलिए नंबरिंग कर दिए 2, 3, 4, 5। यहाँ हो गया इसका विशेष नाम 2, 2, 4। 3 मैथिल जुड़े हुए हैं इसलिए 3 के स्थान पर ट्राई मैथिल, 5 है पेंट है ट्राई मैथिल पेंट है। इस प्रकार से आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एल्केम श्रेणी का। ओके।